प्लान पर पहला दो चार नारे लाऊंगा, फिर कर्मचारियों के एक साथ जिंदाबाद, नारे लोग जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। झंडियाला गुरु में बिजली दफ्तर के बाहर बिजली कर्मचारियों ने लगाया धरना। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अधीन काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों ने 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कम स्टाफ होने के बावजूद भी सभी कामों को पूरा करते हुए खपतकारों के बिजली सप्लाई को शहर में चालू रखा। इसके बावजूद भी हमें पंजाब सरकार और पावर कॉम की मैनेजमेंट ने जो तनख्वाह हमें आखिरी दिनांक को आ जाती थी, ना तो नवंबर महीने की तनख्वाह और पेंशन नहीं मिली। इसी के चलते बिजली कर्मचारियों ने भारी रोष दिखाते हुए रोष रैली की गई। फेडरेशन एनटेक पंजाब ने कहा कि अगर नवंबर महीने की तनख्वाह मुलाजमों के खातों में ना डाली गई तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा और महकमे के काम ठप किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और मैनेजमेंट की होगी। इस मौके पर हरजिंदर सिंह दुग्गल, दलबीर सिंह जौहल, सुखजिंदर सिंह, रमन भारद्वाज वाइस प्रधान, कुलदीप सिंह, बलविंदर सिंह, गुरजिंदर सिंह कंसकतर, अमनप्रीत सिंह, जगीर सिंह सुपरिटेंडेंट, विक्रमजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, दिलप्रीत कौर, गीतक अरोड़ा, भूपेंद्र सिंह, गगनदीप सिंह, जयमल सिंह आदि हाजिर रहे। झंडियाला गुरु से कवलजीत सिंह लाडी की रिपोर्ट। मैं रमन भारद्वाज, मीत प्रधान, PSU इंपलाई फेडरेशन एटक। मेरे नाल साथी टेक्निकल सर्विस यूनियन तो साथी कुलदीप सिंह जी, साथी बलविंदर सिंह जी संधु जी, मिनिस्ट्री स्टाफ यूनियन तो साडे सरकार। असी जिहड़ी साडे बिजली कर्मचारी की तनखा हमेशा महीना मुक्कण तो सैकंड और लास्ट डे विच पैंदी है, वह नहीं पाई। और ये सनेह दिते गए कि सरकार को पावर कॉम की मैनेजमेंट को पैसा ना आने की खातर ये पैसे जड़े मुलाजमान की तनखाह नहीं पैणगियां। इहदे करके समुचे मुलाजमान विच रोस सी और साडियां इत्थे काम करदियां जथेबंदियां ने फैसला किया और अज मंच तो साडे साथियों ने फैसला करके अनाउंस कर जा रहे हैं थोड़ी देर बाद कि जे तनखाह नहीं तो कम नहीं। समुचा बिजली कर्मचारी जिहड़ा पंजाब दा वा उह सारे फैसले नूं लागू करदा आ, संस्था तक के फैसले लागू होंगे। कल तो जोड़े साढ़े कैश ले जाते बिल ने वह भी बंद करते जाएंगे, कोई ब्रेकडाउन होंगे ने वह भी नहीं हल की जाएगियां, कोई कंप्लेंटा ने शिकायतों ने फैक्ट्रिया दिया जां एग्रीकल्चर सैक्टर संबंधित वह भी कंप्लेंटा नहीं हल हो जब तक समुचे मुलाजम तनखा दी। साड़ी जी तनखाह वा नवंबर की, नवंबर भी सुननी दी वह नहीं पाई। सब तो महंगी बिल भी आने रहे, फिर क्यों नहीं? ये बहुत घटिया सोच आ पंजाब सरकार की कि असी बिजली एक अपनी पैदा करते हैं और साड़ी बिजली जी लोगों के सरकार ने नीतियां करनी महंगे रेटा से जा रही, जिदा कि साड़ियाँ ये ट्रेड यूनियन काफ़ी समय तो जिते बाहर प्रचार कर दें, जो भी साड़ी मैनेजमेंट नाल मीटिंग होंगी आ ये मुद्दे विचारे जाते हैं, पर साड़ी मैनेजमेंट भी कई बार इन्हों गलों का जवाब देने लिए आना काना करती आ, क्योंकि ये सीधी तौर पर दखलअंदाजी पंजाब सरकार की आ। पंजाब सरकार ने इस अदारे अपना एक व्यापारक केंद्र बना लिया, जदों के ये पब्लिक सैक्टर का अदारा सी, आम लोगों की पहुँच में रहना चाहिए सी। ये बिजली महंगी होने करके इंज लगता कि आने वाले समय च पंजाब के बहुत लोगों को बिजली दूर हो जाए।